साथियों, वो सभी विशेषण जो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को महान, अद्भुत, अद्वितीय बताते हैं, मुझे गलत लगते हैं। महानता की श्रेणी बहुत व्यापक है। इसमें दुनिया भर के सैकड़ों हजारों लोग शामिल हैं। वाजपेयी जी की स्मृतियों के साथ अन्याय होगा कि हम उन्हें अपनी सीमित बुद्धि के अनुसार किसी भी श्रेणी में सीमित कर दें, सिर्फ उनको महान कहकर चुप हो जाएं। मैं उनको युग पुरुष मानता हूं, एक ऐसा व्यक्तित्व जो युगों में एक बार जन्म लेता है। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं भारत माँ के इस सबसे विलक्षण पुत्र पर एक सीरीज बनाऊंगा। 3 एपिसोड्स मैं पहले बना चुका हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर अब तक आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और जरूर देखें। अटल जी के पास एक या दो नहीं, कई सुपर पावर्स थे, लेकिन उनका सेंस ऑफ ह्यूमर वो बेजोड़ था। ऐसी हाजिर जवाबी कि सुनने वाला हैरान रह जाए। भारतीय जनता पार्टी जब एक डेमोक्रेटिक फोर्स, एक लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में उभरने लगी तो विरोधियों में खलबली मच गई। उनको इस शक्ति से लड़ने का एक ही रास्ता नजर आया, डिवाइड एंड रूल। ऐसी अफवाह उड़ाई जाने लगी कि पार्टी के दो सबसे शीर्ष नेताओं में, अटल जी और आडवाणी जी में मनमुटाव रहता है। इस बात में सच्चाई तो खैर जरा भी नहीं थी, लेकिन अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा जानते थे कि अटल जी पार्टी लाइन पर टिके रहने के लिए भी कभी झूठ नहीं बोलेंगे, वही कहेंगे जो सच है। तो एक दिन उन्होंने अटल जी से पूछ लिया, अटल जी, ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी में दो दल हैं, एक अटल का दल, एक आडवाणी का दल, क्या ये सच है? अटल जी छूटते ही बोले, ना मैं किसी दलदल में हूं, ना किसी दलदल को जानता हूं। हां, औरों के दलदल में अपना कमल कैसे खिलाते हैं ये मुझे अच्छी तरह पता है। एक सटीक जवाब। उसके बाद अटल जी से यह सवाल दोबारा कभी नहीं पूछा गया। 1990 में यह देश जन जागरण और जन संघर्ष के मिले जुले दौर से गुजर रहा था। बीजेपी राम मंदिर बनवाने के लिए अभियान छेड़ चुकी थी। आडवाणी जी राम रथ यात्रा पर निकल चुके थे। तय यह हुआ कि जब आडवाणी जी का रथ लखनऊ पहुंचेगा तो उसका स्वागत करने के लिए अटल जी वहां मौजूद होंगे। उन दिनों उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी। मुलायम सिंह जी भी कमर कस चुके थे कि रथ यात्रा को आगे नहीं बढ़ने देंगे। माहौल काफी तनावपूर्ण था। लखनऊ में हल्की हल्की सर्दियों की आहट आने लगी थी, लेकिन राजनीति का पारा चढ़ता ही जा रहा था। हर मिनट एक नई ब्रेकिंग न्यूज आ जाती थी। तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार अटल जी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। बाहर उनके स्वागत के लिए भारी भीड़ जुटी थी। हजारों की तादाद में लोग जमा थे। जय श्री राम और अटल बिहारी जिंदाबाद के नारों से एयरपोर्ट की दीवारें थर्रा उठी। जैसे ही अटल जी एयरपोर्ट से बाहर आए, उन्होंने देखा लखनऊ के जिलाधिकारी, डीएम, पुलिस फोर्स के साथ खड़े हुए हैं। अटल जी एक मिनट में पूरी बात समझ गए। वो जान गए कि उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया जा चुका है। वो ये भी जानते थे कि ये गिरफ्तारी आसान नहीं होगी। ये हजारों लोग जो जमा हैं, ये पुलिस और प्रशासन को अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। जनता और पुलिस के बीच भारी मुठभेड़ हो सकती है, बात बिगड़ सकती है, हाथ से निकल सकती है, हालात बेकाबू हो सकते हैं। सेकंड के 10वें हिस्से में ही उन्होंने एक निर्णय लिया। हंसते हुए जिलाधिकारी की ओर बढ़े और बोले, हां भाई बताओ कहां ले चलोगे? जिलाधिकारी हंस पड़े और साथ ही वहां मौजूद लोग भी हंसने लगे। जहां दंगे फसाद की नौबत आ सकती थी, वहां अटल जी के मजाकिया अंदाज ने, उनकी हाजिर जवाबी ने, उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड ने शांति बहाल रखी। हंसते हंसाते मामला निपट गया। रथ यात्रा के अगले साल का किस्सा है। बीजेपी जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगी हुई थी। दिन रात जनसभाएं चल रही थी। पूरा का पूरा शीर्ष नेतृत्व, भाजपा के बड़े बड़े नेता, एक आम कार्यकर्ता की तरह चुनाव प्रचार में अपने आप को झोंके हुए थे। तय यह हुआ कि लखनऊ में वरिष्ठ नेता श्री कलराज मिश्र और अटल जी मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे।
कलराज जी भाजपा के कार्यालय जा पहुंचे। पहुंचे तो उनको पता चला कि वाजपेयी जी के आने में अभी समय है। वो भी कई दिनों के थके हारे थे, ऑफिस का एसी चलाया और सोफे पर लेट गए। लेटते ही उनको नींद आ गई। कुछ देर बाद अटल जी दफ्तर में दाखिल हुए पूरे दलबल के साथ, तो देखते हैं सोफे पर कलराज मिश्रा लंबे पड़े हुए हैं। उन्हें जगाने की जगह वाजपेयी जी एक लंबी सांस खींच के साथ आए कार्यकर्ताओं से बोले, लो जी हिंदू राष्ट्र तो सो गया है, अब कैसे काम चलेगा। लोग ठाके मार के हंस पड़े और कलराज जी की नींद उस हंसी से खुल गई। थोड़ा पीछे लौटते हैं इमरजेंसी के टाइम में। श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं और उनका ऐसा दबदबा था, यह दबदबा शायद गलत शब्द है, उनका ऐसा आतंक था कि उनके आगे कोई बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। जो ये गुस्ताखी करता भी उसे फौरन या तो जेल में ठूंस दिया जाता या नजरबंद कर दिया जाता। लगभग तानाशाही वाला माहौल था, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ चुकी थी। बाकी सबने तो थक हार के चुप रहना सीख लिया, लेकिन अटल जी को ये कला आई नहीं। वो बोलते रहे और जम के बोलते रहे। इंदिरा जी को उनकी ये मुखरता खलने लगी। एक दिन सर्वदलीय बैठक में जब अटल जी ने पूरे जोश के साथ इमरजेंसी पर अपना विरोध व्यक्त किया तो इंदिरा जी का गुस्सा उबल पड़ा। वो बोली, अटल जी ये जो आप हाथ हिला हिला कर बोलते हैं ना, मुझे आपके अंदर हिटलर दिखाई देता है, वो भी आप ही की तरह हाथ हिला हिला कर बोलता था। अटल जी हिटलर से अपनी तुलना किए जाने पर नाराज भी हो सकते थे, लेकिन वो हंसते हुए बोले, मैडम मैं क्या, कोई भी जब बोलता है तो हाथ हिलाकर ही बात करता है, लेकिन अगर आपको मेरा हाथ हिलाना पसंद नहीं आता तो चलिए आज से मैं पैर हिला हिलाकर बात करूंगा, आप ठीक है। इंदिरा जी का चढ़ा हुआ पारा उतर गया और बहुत चाहते हुए भी वो अपनी हंसी नहीं रोक पाई। इमरजेंसी का ही एक और किस्सा याद आता है। अडवाणी जी और अटल जी दोनों को कांग्रेस सरकार ने बेंगलुरु की जेल में बंद कर दिया था। फिर अटल जी का स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ा और उन्हें एम्स में शिफ्ट करना पड़ा। लगभग पूरी इमरजेंसी के दौरान वो हॉस्पिटल में ही रहे, वहीं उनकी सर्जरी भी हुई। सर्जरी के बाद जब वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे तो एक दिन उन्हें कमर में दर्द उठना शुरू हुआ। डॉक्टर आए, उन्होंने पूरा निरीक्षण किया और बोले, कोई खास बात नहीं है, ऐसा लगता है आप ज़्यादा झुक गए इसीलिए दर्द हो रहा है। अटल जी दर्द से कराह रहे थे पर मौका कैसे चूकते, बोले, डॉक्टर साहब ये कहिए ज्यादा मुड़ गए, क्योंकि झुक तो हम सकते ही नहीं। मजाक में कही थी पर बात एकदम सही थी। अटल जी जीवन भर अलगाववादी ताकतों से लड़ते रहे, राष्ट्र धर्म के पथ पर आगे बढ़ते रहे, क्या क्या नहीं सहा पर रुके नहीं, झुके नहीं। मुझे उन्हीं के शब्द याद आते हैं, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते, सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता निरंकुशता से, अंधेरे ने दी चुनौती है, किरण अंतिम अस्त होती है, दीप निष्ठा का लिए निष्कंप, वज्र टूटे या उठे भूकंप, यह बराबर का नहीं है युद्ध, हम निहत्थे शत्रु है सन्नद्ध, हर तरह के शस्त्र से है सज्ज, और पशुबल हो उठा निर्लज्ज, किंतु फिर भी जूझने का प्रण, पुनः अंगद ने बढ़ाया चरण, प्राण पण से करेंगे प्रतिकार, समर्पण की मांग अस्वीकार, दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार, अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में जलने वाली आग प्रखर, जब हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल जलकर हो गई अमर, वो बुझने वाली आग नहीं रग रग में उसे समाये हूं, यदि कभी अचानक फूट पड़े विप्लव लेकर तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय।